आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है, सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपर जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा नते ये न वदंती धर्मम, अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं।